देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा की दोनों लोकसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में 25 अप्रैल यानी कि कल एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में ये जनसभा संबोधित की जाएगी। जनसभा की जो तैयारियां हैं वो लगातार शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये मंडप भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सामने जो मंच है इसी मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और यहीं से वह इस जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आगरा में पहली बार नहीं आ रहे हैं, इससे पहले वह 3 सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। 2013 में, 2016 और 2019 में भी प्रधानमंत्री ने आगरा में जनसभा को संबोधित किया था। जिस कोठी मीना बाजार मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है, इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहीं बगल में एक हवेली मौजूद है। बताया जाता है कि औरंगजेब के समय में जब छत्रपति शिवाजी को कैद किया गया था तो इसी हवेली में रखा गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े राजनीतिक आगरा के इस कोठी मीना बाजार से चुनावी शंखनाद भी करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो SPG सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 2 दिन पहले ही यहाँ डेरा डाल चुकी है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा कर रही है। आगरा के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ BJP के बड़े बड़े पदाधिकारी और नेता भी यहाँ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ करीब 12,000 से 13,000 से ज्यादा कुर्सियों का इंतजाम किया गया है और लाखों लोगों के यहाँ पहुँचने की संभावना भी जताई जा रही है। आगरा से राघवेंद्र सिंह गहलोत की रिपोर्ट।